कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर में हुए गठबंधन पर कहा कि कांग्रेस को किसके साथ गठबंधन करना है ये भाजपा से पूछने की जरूरत है। हरिद्वार में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे इमरान मसूद ने कहा कि भाजपा भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में रही है, तब उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। आज जम्मू कश्मीर से जो भी हालात हैं वो भाजपा की वजह से हैं। कोलकाता रेप एंड मर्डर मामले पर उन्होंने कहा कि कहीं पर भी ऐसी घटना होना शर्मनाक है, लेकिन किसी भी राज्य में घटना होने पर टारगेट बनाकर मुद्दा बनाना गलत है। उत्तर प्रदेश की सरकार पर निशाना साधते हुए इमरान मसूद ने कहा कि किसी का जाति और नस्ल देख कर ही उस पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है। हरिद्वार से ब्यूरो चीफ नदीम सलमानी। से हमने पूछ के गठबंधन करना है क्या? हमको भाजपा से पूछ के गठबंधन करना है? और अलगाववाद की कौन सी बात होगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या पहले से आज कोई बात? नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी साथ सरकार में थी, तब क्या था? नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हीं के साथ सरकार में थी। आज जो कश्मीर का हाल है उसके पीछे सारी भाजपा ही है। अब एक बात बताइए, सिर्फ बंगाल बंगाल चिल्ला रहे हैं, क्या रुद्रपुर में नहीं अभी हुआ? आपके रुद्रपुर की घटना को किसी चैनल ने दिखाने का काम नहीं किया, कोई दिखाने का काम नहीं कर रहा है आप में से, ना कोई आप बताते हो। आपके सिलेक्टिव टारगेट हैं कि कहाँ आपको टारगेट करना है, आपको वहीं पूरा देश, हम कह रहे हैं सब जगह जो घटनाएं हुई हैं वो शर्मनाक है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो उत्तराखंड के अंदर हो, लेकिन आप सिलेक्टिवली केवल एक को हाईलाइट करते हो। ऑलरेडी कानून है, नए कानूनों की रोज ज़रूरत नहीं है। जो कानून है उनका इम्प्लीमेंट करा दीजिए ना, क्यों नहीं उनका इम्प्लीमेंट होता? क्यों उनका इम्प्लीमेंट नहीं होता? सेलेक्टिवली आप लोग बुलडोजर चलाते हो, बुलडोजर चलाने के लिए आपको उसका जाति धर्म और देख करके बुलडोजर चलता है आपका। आपका हर काम सेलेक्टिव है। दो जगह चुनाव, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, दोनों जगह जीतेंगे हम इंशाल्लाह।